वहाँ दोनों बदमाश आते हैं। जैसे ही वो उस हैंडपंप को उखाड़ते हैं तभी वहाँ पर नागिन प्रकट हो जाती है। एक समय की बात है, एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में मियाँ बीबी और उनके तीन बच्चे रहा करते थे। वो बहुत ज्यादा गरीब थे। गरीबी के कारण उनके माँ बाप ने कई दिनों से कुछ खाया नहीं था, क्योंकि जो भी वो कुछ अपनी कमाई से जोड़ पाते वो अपने तीनों बच्चों को खिला दिया करते। उसी भूख के कारण एक दिन उनकी मौत हो जाती है। बच्चे बहुत जोर जोर से रोने लगते हैं। उनको रोता देख आसपास के पड़ोसी भी इकट्ठा हो जाते हैं और कहते हैं, अरे भाई ये तो बहुत बुरा हुआ, अब तो ये बच्चे अनाथ हो गए। पहले तो दो वक्त की रोटी इनके माँ बाप की वजह से इन्हें मिल भी जाती थी, अब तो लगता है इन बेचारों की भी ऐसे ही भूख से मौत होगी। पर इसमें हम क्या कर सकते हैं भाइयों? ये कहकर गांव के सारे लोग उन बच्चों की कोई मदद ना करते हुए अपने अपने घर की तरफ लौट जाते हैं। उसकी दोनों बहनें जोर जोर से रोने लगती हैं और अपने भाई से कुछ खाना खिलाने के लिए कहती हैं। तभी उसका भाई अपने घर में सारी चीजों को टटोलता है तो सिर्फ चावल की तीन दाने उसे मिलते हैं, जिनको वो कढ़ाई में उबाल देता है और तीनों बच्चे एक एक दाना खाकर सो जाते हैं। तभी उसका भाई रात को रोते हुए भगवान से प्रार्थना करते हुए कहता है, हे भगवान, आपने सबको इतने सुख दिए फिर हमें इतने दुख क्यों? हमारे पास दो वक्त की रोटी खाने के पैसे भी नहीं, अन्न का दाना भी नहीं, कब हमारी जिंदगी बेहतर होगी भगवान? तभी अगली सुबह उसकी बहन जोर जोर से रोने लगती है और कहती है, भैया मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है लेकिन घर में एक बूंद पानी नहीं, आप मेरे लिए पानी ले आइए। हाँ बहन, तुम रो मत, तुम अभी रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं अभी गया और अभी आया। ये कहकर वो उस घर से निकल जाता है और गांव के एक हैंडपंप पे, जहाँ से सारे लोग पानी भरा करते हैं, उस हैंडपंप पे पहुँच जाता है। जब वो हैंडपंप पे पहुँचता है तो वहाँ पर पानी भरने के लिए बहुत लंबी लाइन लगी होती है। वो भी उस लाइन में खड़ा हो जाता है और भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना करके कहता है, हे भगवान, इतनी बड़ी लाइन, मैं कब अपनी बहन के लिए पानी भरूंगा और कब उसे पिलाऊंगा? इतने में वहाँ से दो लोग और आ जाते हैं और उसको लाइन से हटाकर खुद खड़े हो जाते हैं। अरे भाई जरा मुझे पानी भर लेने दो, वहाँ पर मेरी बहनें भूखी और प्यासी हैं, वो मर जाएंगी बिना पानी के। अगर मुझसे कोई गलती हो तो मुझे माफ कर दो, पर मुझे पानी भरने दो। ये कहने के बावजूद भी वो दो आदमी उसको वहाँ से डरा धमका कर भगा देते हैं और कहते हैं, अबे चल भाग, आया बड़ा पानी भरने वाला, यहाँ से पानी सिर्फ हम भरेंगे, और अब की बार तू यहाँ पर दिखा तो तेरी हड्डी पसली तोड़कर एक कर देंगे। ऐसी बातें सुनकर वो डर कर वहाँ से भाग जाता है और गांव के दूसरे हैंडपंप की तरफ आ जाता है और वहाँ से पानी भरने की कोशिश करता है। लेकिन वो ये बात नहीं जानता होता कि वो हैंडपंप बरसों से खराब है, उसमें पानी नहीं आता। वो हैंडपंप के नीचे बाल्टी लगाता है और उसको चलाने की कोशिश करता है। बहुत देर तक चलाने के बाद भी उसमें से पानी नहीं निकलता। तब वो सोचता है, हे भगवान, लगता है ये हैंडपंप ही खराब है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, वहाँ मेरी बहन प्यास के मारे रो रही होगी। कुछ तो करना ही पड़ेगा, ऐसा करता हूँ इस हैंडपंप को ठीक कर देता हूँ। ऐसा कहकर वो हैंडपंप में अपनी बाल्टी में जो बचा हुआ थोड़ा सा पानी होता है वो उसमें डाल देता है और जैसे ही वो उस हैंडपंप को ठीक करने के लिए उसमें थोड़ा सा पानी डालता है तभी वहाँ पर एक नागिन प्रकट हो जाती है और कहती है, अरे तुमने मेरी मदद करी, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, एक ऋषि मुनि ने मुझे श्राप के द्वारा इस हैंडपंप में कैद कर दिया था, तुमने मुझ पर पानी डाला तो मैं इससे श्राप मुक्त हो गई और देखो मैं बाहर आ गई। ये बात सुनकर वो लड़का उस नागिन से कहता है, अरे मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी वजह से तुम यहाँ से मुक्त हुई, पर तुम काफी दिन से यहाँ पर थी ना, तो तुम भूखी भी तो होगी ना, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का इंतजाम करता हूँ। ये कहकर वो लड़का अपने घर की ओर चल देता है और वहाँ से एक चावल का दाना उबाल कर
लेकर आता है और उस नागिन के हाथ में दे देता है। वो नागिन भी बिना कुछ कहे उस चावल के दाने को खा लेती है और खाने के बाद बहुत खुश होकर कहती है, अरे तुमने इतनी गरीबी में भी अपनी भूख की परवाह ना करते हुए आज तुमने मेरी मदद करी है। और मैं तुम्हारे सारे हालातों के बारे में जानती हूँ कि तुम्हारे माँ बाप इस दुनिया में अब नहीं है और तुम तीनों का इस दुनिया में कोई नहीं, जिसकी वजह से तुम्हें खाने में रहने में बहुत तकलीफ हो रही है। लो, तुम ये सोने का सिक्का लो और इससे अपने और अपनी दोनों बहनों के खाने की व्यवस्था करो और साथ में इससे जो पैसे आए उनसे अपने स्कूल की फीस भरो और आज से ही पढ़ाई करना शुरू करो। अपनी बहनों को भी खूब पढ़ाओ और तुम भी खूब पढ़ो। इस सिक्के के अलावा जब भी तुम्हारे पास पैसे खत्म हो जाए तो तुम इस हैंडपम्प को दो बार जरूर चलाना। जब भी दो बार चलाओगे तो उसमें से सोने का सिक्का बाहर आ जाएगा और तुम्हारा पूरी जिंदगी का गुजारा ऐसे ही चलता रहेगा। जाओ बच्चे, तुम हमेशा खुश रहो, मैं हमेशा तुम्हारा इसी तरीके से साथ देती रहूंगी। जाओ खाना खा लो। ये सुनकर वो लड़का बहुत खुशी खुशी से उस सोने के सिक्के को अपने घर लेकर जाता है और अपनी दोनों बहनों को दिखाते हुए कहता है, देखो उस नागिन ने मुझे सोने का सिक्का दिया, अब हम स्कूल जाया करेंगे और अब हमें खाने की भी कोई कमी नहीं रहेगी, तुम अच्छे से स्कूल जाया करोगी। और ये बात सुनकर उसकी दोनों बहनें खुशी से नाचना शुरू कर देती हैं। अगले दिन से ही वो पेट भर के खाना खाते हैं और साथ में स्कूल में जाकर वो बहुत अच्छे से पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। उन्हें पढ़ता देखकर दो बदमाश ये बात समझ नहीं पाते और कहते हैं, अरे भाई इनके माँ बाप तो मर चुके हैं और ये स्कूल भी जाने लगे और खाना भी खाने लगे, इनके पास तो अन्न का एक दाना भी नहीं था, ऐसी क्या लॉटरी लग गई इनकी, या कहीं पर चोरी करते हैं, या इनके माँ बाप इनको कोई खजाने का पता देकर गए हैं, पता लगाना पड़ेगा अब तो। ये कहकर अगले दिन वो उसका पीछा करने लगते हैं। जैसे ही वो लड़का उस गांव के पुराने हैंडपंप की तरफ जाता है तभी जैसे ही वो उस हैंडपंप को दो बार चलाता है तो उसमें से सोने का सिक्का बाहर आ जाता है। ये देखकर वो दोनों बदमाश बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, अच्छा तो इसने सारा सोना चुरा कर यहाँ पर इस हैंडपंप में छुपा रखा है, बहुत खूब, अब इसके जाने के बाद हम ये सारा सोना चुरा ले जाएंगे और इस हैंडपंप को भी उखाड़ कर फेंक देंगे, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। ऐसा कहकर वो उसके जाने का इंतजार करते हैं। तभी वो लड़का दो बार उस हैंडपंप को चलाता है, सोने का सिक्का बाहर आता है और उसको लेकर वो अपने घर की ओर चल पड़ता है। तभी वहाँ दोनों बदमाश आते हैं और उस हैंडपंप को तोड़ डालते हैं। जैसे ही वो उस हैंडपंप को उखाड़ते हैं तभी वहाँ पर नागिन प्रकट हो जाती है और बहुत गुस्से में आकर उन दोनों बदमाशों को दस लेती है। तभी उनके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर वो लड़का भी दौड़ा दौड़ा उस हैंडपंप के पास भाग कर आता है और तभी उनको नीचे गिरा हुआ देख कर नागिन से क्षमा मांगता हुआ कहता है, नागिन जी आप इनको कुछ ना कहें, ये हमारे ही गांव के दो लोग हैं, इनको सोना देखकर लालच आ गया था, मैं इनकी तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ, इनको माफ़ कर दें और इनको बिल्कुल स्वस्थ कर दें। नागिन उस लड़के की बातें सुनकर कहती है, अरे तुमने मेरी इतनी मदद करी, तुम्हारे कहने पर अच्छे व्यवहार के कारण, अच्छी नीयत के कारण मैं इन दोनों को जिंदा कर देती हूँ, लेकिन हाँ बच्चे इसके बाद मैं अपने नागलोक चली जाऊंगी, नहीं तो इनकी इस गलती की सजा इनकी मौत थी, फिर भी तुम्हारे कहने पर मैं इनको जिंदा कर रही हूँ। ऐसा कहकर नागिन उन गांव के दोनों लोगों को जिंदा कर देती है और वहां से हमेशा हमेशा के लिए नागलोक चली जाती है।